सरस्वती। सत्य तो ये है महादेव कि आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। भूख, प्यास, निद्रा, ये सारी आवश्यकताएं मुझे व्यर्थ लगती हैं। महादेव, देवी सती के शव को लिए कहाँ जा रहे हैं? ना जाने अब क्या नया संकट आएगा इस सृष्टि पर। आप मेरे जीवन के अभिन्न अंग है महादेव। अब मैं भी आपके जीवन का अभिन्न अंग बनना चाहती हूं। पर बहन, एक बात समझ नहीं आई। जब भोले बाबा ने सबको ठीक कर दिया तो फिर सती को काहे ठीक ना किया? क्योंकि देवी सती ने घोषणा की थी कि वो दक्षायनी रूप में जीवित नहीं रहना चाहती थी। बिना आमंत्रण के अपने पिता के घर आने का हट करके जो उन्होंने अपराध किया था, उसके लिए उन्होंने अपने लिए ये ही दंड चुना था। ऐसे में महादेव को उनकी इच्छा का सम्मान तो करना ही था। महादेव कहाँ जा रहे हैं देवराज? इस प्रश्न का उत्तर न तो मेरे पास है, न ब्रह्मदेव के पास, न प्रभु विष्णु के पास, और न ही स्वयं इनके पास। मुझे भय हो रहा है कि इस समय काल भी इस आशंका से घबराया हुआ है कि कहाँ जा रहे हैं वो, और अब क्या करेंगे महादेव। अब तक मैंने केवल अर्पण किया है, पर अब स्वयं को समर्पण करना चाहती हूँ। मैं आपको अपना पति परमेश्वर मान चुकी हूँ महादेव। क्या आप भी मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे? ये वरमाला केवल और केवल महादेव के गले में सुशोभित होगी। मेरी प्रेम की शक्ति महादेव को यहाँ तक लेकर आएगी। मेरे होते हुए आप कभी अकेली नहीं हैं सती, आप मेरा ही भाग हैं और मैं आपका। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रिय,
मैं आपके प्राणों की रक्षा करने में विफल रहा और अब इतना विलंब हो चुका है कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। प्रिय शिव हूं मैं, राज केवल शव समान है। ये कैसी विवशता है कि आज मैं अपने प्रिया को जीवन भी नहीं दे सकता, समय का चक्र नहीं लौटा सकता, आपको उस यज्ञ में जाने से नहीं रोक सकता। मैं क्या करूं प्रिय, मैं क्या करूं? महादेव, मेरे स्वामी, आप मेरे बिना कैसे रहेंगे? अब कौन करेगा आपकी ये सेवा? सती से विरह के वियोग में महादेव कितने वर्षों से तांडव नृत्य करके अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। यदि महादेव ने अपना तांडव शीघ्र ही नहीं रोका तो घोर अनर्थ हो जाएगा। देव के तांडव नृत्य के माध्यम से उनके मन की उस व्यथा को कथा के रूप में कह रहा था जो वो स्वयं अपने शब्दों में कहने के लिए असमर्थ थे। सदैव स्थिर और अनासक्त रहने वाले महादेव भी देवी सती के जाने के बाद जैसे अपना संतुलन ही खो बैठे। कई वर्षों तक वे बिना रुके तांडव करते ही रहे, विनाश की ताल पर अब संहार का नर्तन करने में, स्वयं को रोकने में सक्षम नहीं थे। परंतु भोलेनाथ के तांडव से तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है, ऐसे में तो उनका रुकना बहुत आवश्यक था। हाँ माँ, कैसे रुके वो, कैसे समाप्त हुआ शिवजी का तांडव? ब्रह्मदेव, श्री नारायण, अब आप ही कुछ कर सकते हैं, कुछ कीजिए, कोई भी उपाय कीजिए, पर महादेव को मृत्यु और विनाश का ये महाभयानक नृत्य करने से रोक लीजिए प्रभु। महादेव तो सदैव मोह माया से परे रहते, किंतु इस समय वह भी देवी सती के मृत्यु से मोह लगाए बैठे, दुख की अधिकता से माया में उलझ गए हैं। वह ये भूल गए कि शरीर तो नश्वर, देवी सती तो पहले से ही उनमें विलीन हो चुकी। तो फिर उन्हें ये समृद्धि दिलानी होगी, पर नारायण, शक्ति के बिना शिव को रोक पाना संभव कैसे होगा? ये
हे नारायण, अब तो आप ही से आशा है। आप ही हैं जो इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। इतना कष्ट मत दीजिए सखा। हे सखा, मुझे क्षमा करिए। इस सृष्टि की सुरक्षा के लिए मुझे ये करना पड़ रहा। इसके सिवा मेरे समक्ष और कोई विकल्प नहीं। मुझे क्षमा कर दे महादेव, आपके तांडव के कारण संसार का विनाश हो रहा था, इसलिए प्राणी मात्र की रक्षा के लिए मुझे इतने कठोर निर्णय का आश्रय लेना पड़ा। देवी सती के देह के विभाजित खंड जहां जहां गिरे वो सभी स्थान आज से शक्तिपीठ के नाम से जाने जाएंगे। अनंत काल तक वहां भक्त देवी का पूजन करेंगे, उनका स्मरण, उनका ध्यान, उनकी सेवा करेंगे। इन सभी 51 शक्ति पीठों में जब भी कोई भक्त पूरी श्रद्धा से देवी की आराधना करेगा तो उसका कल्याण अवश्य होगा। आदि शक्ति देवी सती स्वयं उसे आशीर्वाद देंगी। हमारा साथ बस इतना ही था महादेव। आपकी छवि को
अपने हृदय में बसाकर आपसे विदा ले रही हूँ। हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। देवी सती के देह के अनेक भागों में बट जाने के बाद उनका तांडव तो रुक गया था, पर शिव फिर से सामान्य नहीं हो पाए। संसार से विरक्त होकर वो गहन समाधि में लीन हो गए। शिव का इस तरह विरक्त होना संसार के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि शिव और शक्ति का संतुलन ही सृष्टि को संतुलन देता। जब वो दोनों एक दूसरे से दूर हो गए तो सृष्टि शक्ति विहीन हो जाती है, पाप बढ़ने लगता है, बुराई प्रकट होने लगती है और विनाश निश्चित हो जाता है। इस बार भी शिव और शक्ति के अलग होने का परिणाम शीघ्र ही दिखने लगा। असुरों को फिर से उभरने का अवसर मिलने लगा। ऐसा ही एक महाशक्ति असुर था, तारकासुर। अन्य असुरों की तरह उसने भी वरदान की शक्ति पाने के लिए ब्रह्मदेव की भीषण तपस्या की। ओम वेदात्मने विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम वेदात्मने विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम वेदात्मने विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई तारकासुर। नाम ब्रह्मदेव। कल्याण हो। बोलो क्या वरदान चाहिए? बस एक ही वरदान की इच्छा है ब्रह्मदेव, कि मैं अनंत काल तक इस देह का उपभोग कर पाऊं, अजर अमर हो जाऊं। असंभव है ये जो तुम मांग रहे हो। इस पूरी सृष्टि में इस वरदान को प्राप्त कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। अमरता का वरदान छोड़कर कोई और वर मांग लो। फिर आप मुझे यह वरदान दीजिए ब्रह्मदेव कि मेरी मृत्यु केवल उसी के द्वारा संभव हो पाए जिसका जन्म स्वयं महादेव शिव शंकर से हुआ हो। तथास्तु। अर्थात जो मेरी कामना थी वो पूर्ण हो ही गई। ना चाहते हुए भी आपने मुझे अमर बना ही दिया ब्रह्मदेव। शिव शंकर की पत्नी भस्म हो चुकी है और शिव संसार से विरक्त होकर गहन समाधि में जा चुके हैं। ऐसे में उनके पुत्र का जन्म होगा भी तो कैसे? और जो जन्म ही नहीं लेगा वो मुझे मारेगा कैसे? Ha 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 ha